हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। पहला टाइप्स होगा आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। हम पहले समझेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का कनेक्शन किस टाइप से होता है और फिर ये वर्क किस तरह से करता है। दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक पी टाइप सेमीकंडक्टर जब सैंडविच हो जाता है तब जाकर के क्या होता है, आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। आप लोग इस तरह से देख रहे होंगे कि बीच एनपीएन, इसमें क्या देखते हैं कि दो एन टाइप सेमीकंडक्टर है और बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। जब दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक पी टाइप सेमीकंडक्टर आ जाता है तो आपको क्या हो जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। अब हम देखेंगे कि ये जो है ऑपरेट कैसे होता है, ये वर्क कैसे करता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि इमीटर बेस जंक्शन जो होना चाहिए वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। और बेस और कलेक्टर जंक्शन जो होना चाहिए हमेशा रिवर्स बायस में होना चाहिए, तब जा करके आपका ट्रांजिस्टर जो होगा वर्क करेगा, चाहे आपका एनपीएन हो चाहे आपका पीएनपी हो। तो देखिए, यहां हम देखेंगे तो ये जो आपका इमीटर बेस जंक्शन जो है आपका फॉरवर्ड बायस में दिखेगा, क्योंकि यहां आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है बैटरी के, और आपका पी जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है। और इस साइड देखेंगे तो रिवर्स बायस में होना चाहिए, तो आपका क्या है कि एन टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुटा हुआ है और पी का जो देख रहे हैं टर्मिनल वह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है। ये तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ये आपका फॉरवर्ड बायस में है और ये आपका रिवर्स बायस में है। देखिए, इसमें जो है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर में एन में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होता है, होल्स की संख्या जो होगा वो आपका कम होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन होल जो होगा बहुत ही कम रिकम्बाइन करता है, और ये जब यहाँ से जब हम बायसिंग करते हैं, जब हम यहाँ क्या करते हैं बैटरी जोड़ देते हैं, तब क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेगा या आगे धकेलेगा, ये क्या होगा आपका बेस जो है आपका है बेस लेयर में बहुत ही कम होल है, जिसके कारण क्या होगा वहाँ बहुत ही रिकम्बाइन कम कर पाता है। तो इसके चलते इमीटर के चलते जो आपका यहाँ जो करंट जो डेवलप होगा वो आपका इमीटर करंट होगा, ये आई देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ ओनली 5%, ये जितना आपका इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे उसका केवल 5% ही यहाँ क्या कर पाता है, रिकम्बाइन कर पाता है होल्स के साथ, और बाकी जो होता है ट्रांसफर हो जाता है कहाँ, कलेक्टर लेयर में। तो कलेक्टर लेयर में आप लोग यहाँ देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्सों की संख्या ज़्यादा है, होल्स की संख्या कम है, तो यहाँ जो है ये इलेक्ट्रॉन्स फिर इधर से ट्रांसफर करने लगता है। तो बेस के चलते जो आपका करंट जो डेवलप होता है, यहाँ जो होल्स और आप लोग देख रहे हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो कंबाइन किया है, इसके चलते आपका जो करंट जो डेवलप हुआ है बेस करंट आईबी, और यहाँ जो आपका जो करंट जो डेवलप होगा कलेक्टर लेयर में, तो वहाँ आपका करंट डेवलप जो होगा उसे क्या बोलेंगे, कलेक्टर करंट आईसी। तो अब देखेंगे आप लोग, आप यहां इसको नोट्स मानेंगे बीच वाले पॉइंट को, इस तरह से आपका पी है, ये आपका इस तरह से है, ये हमारा नोट्स होगा, तो ये आपका जा रहा है आई, इधर से आ रहा है आपका आईसी, और ये जा रहा है आपका आईबी। यहां हम लोग केसीएल लगाएंगे तो क्या देखते हैं कि आईई बराबर जो हो जाएगा वो आई सी प्लस आई बी के सम के बराबर है, मतलब कह सकते हैं कि इमीटर करंट जो होगा आपका वो कलेक्टर करंट और बेस करंट के सम के बराबर होता है। आप लोग ये कहा और देखेंगे कि यहाँ जो है ओनली 5% ही रिकम्बाइन कर पाता है, और बाकी जो होता है 95% वो ट्रांसफर हो करके कलेक्टर लेयर में चला जाता है। तो यहाँ जो आपका करंट जो डेवलप होगा, ये जो आपका बेस करंट आई बी जो है बहुत ही कम होगा, तो इसके चलते हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ यदि हम आई बी को यदि इग्नोर कर देंगे तो यहाँ आपका आई जो हो जाएगा अप्रॉक्स बराबर हो जाएगा आई सी के। तो इस तरह से क्या होता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर काम करता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर सबसे ज्यादा यूज होता है आपका एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग बताएंगे कि यहाँ जो हम ये लेयर जो है कलेक्टर लेयर हम वाइडर क्यों बनाए हैं। आप लोग को जब हम ट्रांजिस्टर बता रहे थे तो वहाँ बताए थे, हम देखेंगे कि आप लोग को याद है या नहीं, आप लोग कमेंट करेंगे कि कलेक्टर लेयर जो होता है हम चौड़ा क्यों बनाते हैं, वाइडर क्यों बनाते हैं। ये है आपका सिंबल, सिंबल किसका, एनपीएन ट्रांजिस्टर का। देखिए, ये जो है आपका इमीटर से क्या है आपका करेंट जो है इमिट कर रहा है, बाहर कर रहा है, लेकिन ये कलेक्टर करंट और बेस करंट क्या है आपका अंदर जा रहा है। तो इस तरह से याद रखेंगे, यहाँ जो आपका इस तरह से रहेगा तो आप लोग फिगर से समझ सकते हैं, यदि करंट बाहर जाएगा इमिट कर रहा है, इमिट मीन्स क्या होता है निकलना, ये आपका करंट निकल रहा है, निकल रहा है तो यह आपका क्या हो जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब हम लोग समझेंगे
पीएनपी ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है। अब देखेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। देखिए, जब दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बीच में क्या होता है, सैंडविच हो जाता है, तब जो आपका ट्रांजिस्टर बनेगा वह ट्रांजिस्टर होगा आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें क्या देख रहे हैं, दो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और बीच में एक है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, पी टाइप में जो आपका मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर जो होता है आपका होल होता है, और एन टाइप जो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो देख रहे थे उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन था। मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपका जो करंट कंडक्शन जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो आपका करंट कंडक्शन होगा वह होल्स के कारण होगा। तो अब देखिए, अब हम देखेंगे कि ये जो है इसका ऑपरेशन किस तरह से होता है, मतलब ये जो है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है। देखिए, आपको हम पहले भी बताए थे कि आपका इमीटर बेस जंक्शन जो होना चाहिए हमेशा कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, और आपका बेस और कलेक्टर जंक्शन जो होना चाहिए हमेशा रिवर्स बायस में होना चाहिए। तो यहाँ पहले हम देखेंगे कनेक्शन फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में है या नहीं। ये आपका ये जो है पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुटा होना चाहिए, पी साइड आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड नेगेटिव टर्मिनल से, ये तो आपका फॉरवर्ड बायस में है। अब इस साइड देखते हैं, ये आपका पी साइड जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है और एन साइड जो है आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है, तो ये भी आपका क्या है, रिवर्स बायस में है। अब देखिए, ये तो आपका कनेक्शन हो गया। अब देखिए कैसे काम करेगा, इधर जो हम यानी कि बायसिंग जो कर रहे हैं, डीसी वोल्टेज जो जोड़ रहे हैं, ये क्या है आपका सप्लाई, जो इधर से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से इधर जाएगा, इसका जो होल्स जो है, ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में क्या होता है, रिकम्बाइंड होता है, तब जाके आपका करंट डेवलप होता है। तो यहाँ का होल्स जो है आपका ट्रांसफर जो होगा बी लेयर से आगे जो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होता है कि ओनली 5% ही जो क्या होता है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होता है। तो इसमें इमीटर के कारण, इमीटर में जो होल्स जो है उसके कारण जो आप उसका अपना करंट जो डेवलप होगा वो इमीटर करंट आई होगा, जैसे आपको एनपीएन ने बताए थे। यहाँ जो है ओनली 5% कनेक्शन के कारण जो आपका करंट जो डेवलप जो होगा वो आपका क्या होगा, बेस करंट। लेकिन क्या होगा, इधर से तो होल्स कंटिन्यू जाता रहेगा, ट्रांसफर होते रहेगा, यहाँ तो केवल 5% ही रिकम्बाइन कर पाएगा, तो 95% जो है, 95% क्या होगा आपका, ट्रांसफर हो जाएगा किस में, बी लेयर में। तो इसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो रिकम्बाइन होंगे तो उसके चलते जो आपका करंट जो डेवलप होगा वो आपका कलेक्टर करंट होगा, जिसे हम आईसी बोलेंगे। तो अब देखिए, यहाँ दो क्वेश्चन उठता है कि यहाँ जो हम बायसिंग वोल्टेज जो लगाए हैं कम वोल्ट का लगाए हैं, यहाँ जो है ज़्यादा वोल्ट का लगाए हैं, क्यों? तो हम आपको जब ट्रांजिस्टर बता रहे थे तो वहाँ हम बताए थे कि इमीटर बेस जंक्शन में क्या होता है कि इधर का जो आपका रेजिस्टेंस जो होता है वह क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है, जो आपका बेस और कलेक्टर जंक्शन का यहाँ जो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वह हाई हो जाता है, तो हाई हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, क्या होगा आपका करंट जो क्या होगा, कंडक्शन होगा, नहीं हो पाएगा। इसके चलते क्या करते हैं, यहाँ बायसिंग वोल्टेज जो देते हैं उसका वैल्यू हमेशा फॉरवर्ड वोल्टेज से ज़्यादा होता है। अब देखिए, यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए इधर से आपका क्या है, इमीटर करंट आई जा रहा है और ये दो करंट जो है बाहर निकल रहा है, आईसी और आईबी। यहाँ हम क्या करेंगे, केसीएल लगाएंगे। केसीएल क्या कहता है, किसी भी नोड्स पर किसी भी पॉइंट से जितना भी इनकमिंग करंट का वैल्यू जो होगा वो आउटगोइंग करंट के वैल्यू के बराबर होता है, तो आईई बराबर क्या हो जाएगा आपका, आईसी प्लस आईबी। लेकिन आईबी का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो है ओनली 5% ही रिकम्बिनेशन कर पाता है, तो ओनली 5% यदि रिकम्बाइंड करेगा तो उसके चलते आपका जो करंट जो डेवलप होगा बहुत कम होगा। तो इसके चलते हम क्या कर सकते हैं, आईबी को इग्नोर कर सकते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आईई का वैल्यू जो हो जाएगा अप्रॉक्स बराबर हो जाएगा आईसी के, जैसे आप लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखे थे। अब इसका जो है हम सिंबल देखेंगे, देखिए इसका सिंबल किस तरीका से होता है, उसमें क्या कर रहा था आपका इमीटर करंट इमीट कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। तो
तो इंटर कर रहा है तो इंटर तो इस तरह से होगा, और ये हो जाएगा आपका बाहर, ये हो जाएगा आपका आइस, यहाँ ई कर देते हैं, इमिटर टर्मिनल, बेस कलेक्टर टर्मिनल, और ये हो जाएगा आपका बेस टर्मिनल। तो ये हो गया इसका सिंबल। तो ये था आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर और किस तरह से काम करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। देखिए इसमें जो है एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर में और डिटेल में देखेंगे तो बहुत सारा होता है, लेकिन आप लोग के पॉलिटेक्निक जितना दिया है ये आप लोग के लिए सफिशियंट है, क्योंकि ज़्यादा हम जी ट्रांजिस्टर लेते चलेंगे तो आपका ट्रांजिस्टर में ही टाइम बीत जाएगा। तो अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक्स होगा उस टॉपिक्स का वीडियो लेके हम आएंगे। चलिए हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।